नमस्कार लर्नर्स, डीएलएड पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, कोर्स 504 कोड के अंतर्गत प्रारंभिक स्तर पर गणित शिक्षण में हम आज जो है परिमेय संख्याओं में दशमलव स्थानीय मान पर आपके साथ चर्चा करेंगे, उसके विभिन्न बिंदुओं पर विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। यह जैसा कि आप जानते हैं कि भिन्नों को दशमलव में बदलते हैं, यह आप यह भी जानते हैं कि सभी भिन्न संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। भिन्न की तरह ही हम लोग परिमेय संख्याओं को दशमलव संख्याओं में बदलना सीखेंगे। यह इस बदलाव के लिए कैसे भिन्नों को दशमलव में बदलते हैं, भिन्न संख्याएं ही परिमेय संख्याएं होती हैं, यह कुछ उदाहरण आपके साथ चर्चा करेंगे। यह जैसे 7/11 और 5/8, यह 7/11 को अगर हम 7 से 11 को भाग देते हैं, यह तो आप देखेंगे 7/11 इक्वल टू 0.633। और दूसरा उदाहरण हमारे सामने है 5/8 दैट इज इक्वल टू 0.625। इनको अलग अलग भाग दिए हैं, 7 में 11 से भाग देते हैं, जो है 7/11 जो है तो आप 0.633 प्राप्त करते हैं। यह उसी तरीके से 5 में जब हम 8 से भाग देते हैं, भाग की प्रक्रिया अपनाते हैं, जो है तो हमारा उत्तर जो है 0.625 आ रहा जो है। पहले प्रश्न में आप देख रहे हैं कि 11 से भाग देते जाएंगे, जो है यह संख्याएं आपकी जो है कैंसिल नहीं होगी। यह 6 के बाद जो है आपकी संख्या बार बार जो है बढ़ती जाएगी है, और वहीं पर जो है 5 में जब 8 से भाग देंगे, जो है यह जा करके 0.625 आता है। आप देख रहे हैं कि जब हम 7 में 11 से भाग देते हैं, यह है तो ये संख्याएं जो है उत्तर आपका आएगा 0.6333 जो है, और यह संख्या कभी भी आपकी पूरी कट नहीं पाएगी, लगातार जो है 3 जो है बार बार आता जाएगा। जो है वहीं पर जब हम 5 में 8 से भाग देते हैं तो 0.625 जो है पूरी संख्या यहाँ पर कट जाती है। कहने का आशय ये हो गया कि 5 में 8 से भाग देने पर संख्या पूरी कट जा रही है, जबकि वहीं पर जो है 7 में 11 से भाग दे रहे हैं तो वह संख्या कट नहीं रही है, बाकी आगे बढ़ती जा रही, बार बार 3 जो है रिपीट होता जा रहा है। इन दो उदाहरणों के आधार पर जो है हम इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि दशमलव संख्याओं को 2 भागों में बाँटा जा सकता है। जो है एक उदाहरण ऐसा है जो कि भाग बार बार जा रही है, दूसरा उदाहरण है कि 8 का भाग 5 पूरी पूरी चली जा रही है। यह तो ये दो प्रकार जो हैं इनको हम जो है दो नामों से जानते हैं, जो है दो विशेषताएं जो आई हैं, दो तरह के भाग आए हैं। पहला जो प्रकार आ रहा है उसको हम शांत होने वाली दशमलव संख्याएं या अंत होने वाली दशमलव संख्याएं, जो है इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है 8 की भाग पूरी चली जा रही है और ये संख्या पूरी पूरी जो है अंत हो जा रहा है, और इसको अंग्रेजी में जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स के नाम से भी जानते हैं। यह अर्थात इन संख्याओं को जो दो भिन्न संख्याएं या परिमेय संख्याओं को भाग के माध्यम से हम हल कर रहे हैं तो दो प्रकार निकल के आ रहे हैं। यह पहला प्रकार आ रहा है शांत होने वाली दशमलव संख्याएं या अंत होने वाली संख्याएं, अंग्रेजी में उनको दोबारा कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, टर्मिनेट हो जाना, जो है डिवीजन के बाद जब हमारी संख्याएं जो है पूरी तरीके से समाप्त हो जाएं, अंत हो जाएं, उनको कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। दूसरी संख्या का जो प्रक्रिया आ रही है 7/11 जो है कि 0.6333 बार बार जा रहा है, इसलिए इस प्रकार की भिन्नों को, इस प्रकार की परिमेय संख्याओं को जिनकी भाग कभी न समाप्त हो, अनंत तक जा सकती हो, उनको हम अशांत या अनंत आवर्तक दशमलव संख्याएं कहते हैं, जो है जिनको अंग्रेजी में नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स के भी नाम से जाना जाता है। आइए इस पर और चर्चा करते हैं। एक दोनों संख्याओं में एक एक को लेते हुए हम आगे चर्चा करेंगे। पहली संख्या लेते हैं जिनको कि शांत या अंत होने वाली दशमलव संख्याएं हैं, टर्मिनेटिंग संख्याओं के भी नाम जानते हैं। इस पर कुछ उदाहरण को लेकर के हम बातचीत करेंगे। यह जैसे एक उदाहरण ले सकते हैं 3/20 जो है हम, तो आप देखेंगे जो है कि 3 में 20 से जब भाग देते हैं 0.0 हो गया, एक बार भाग गई जो है 20 हुआ 0.1 जो है, फिर जो है 0 बढ़ जाएगा 20 5 100 हो गया, जो है
ये संख्या जो है 7/3/20 जो है इसका उत्तर जो है 0.15 आ रहा है जो है, और ये संख्या जो है अपने आप में टर्मिनेट हो जा रही है, शांत हो जा रही है, या इस संख्या का अंत हो जा रहा है जो है। एक दूसरा उदाहरण लीजिए जो है 7/5 जो है, 7/5 जो है 7/5 जो है, एक बार गया जो है 5 2.05 जो है। यहाँ पर भी जब 7 में हम 5 से भाग दे रहे हैं तो ये 1.4 पर आकर के संख्या पूरी समाप्त हो जा रही, टर्मिनेट हो जा रही, शांत हो जा रही, या संख्या का अंत हो जा रहा है। एक दूसरा उदाहरण है 3/4 जो है, 3 में हम 4 से भाग दे सकते हैं, यह है 3/4 जो है 0.47/28 जो है, 0.75 इसका उत्तर आ रहा है। तीनों उदाहरणों को अगर हम देखें जो है साथ में जो है, कि पहला उदाहरण जो है 3 में 20 से भाग देते हैं 0.15, 7 में 5 से भाग देते हैं तो इसका उत्तर आ रहा है 1.4, और 3 में 4 से भाग देते हैं तो उत्तर आ रहा 0.75 जो है। खास बात है कि तीनों भिन्न हैं और जो परिमेय संख्याएँ भी हैं इनको भाग देने पर तीनों के तीनों उत्तर जो है आपके टर्मिनेट हो जा रहे हैं, अंत हो जा रहा है उसका जगह। इसलिए ऐसी संख्याएं जिनके रिमाइंडर न बचे, जिसका अंत हो जाए जाए, उनको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। हम इनमें हम बच्चों के माध्यम से आगमन भी देख सकते हैं कि एक ऐसी संख्या जिसका भाग पूरी की पूरी चली जाए, जहाँ आगमन हो रहा है। तीन उदाहरण के माध्यम से हम इंडक्शन दिखा रहे हैं, आगमन दिखा रहे हैं, आगमन के माध्यम से हमारे यह उत्तर आ रहे हैं, पूरे के पूरे समाहित हो जा रहे हैं। ऐसे इस उपरोक्त सभी परिमेय संख्याओं को देखने से ज्ञात होता है कि सभी परिमेय संख्याएं शांत दशमलव में व्यक्त हो रही हैं, जो बोर्ड पर देखी जा रही हैं। यह ऐसे ही इसी प्रकार के कुछ और उदाहरण जो है बच्चों से लिए जा सकते हैं और उनको हल कराए जा सकते हैं। हल करा करके हम देख सकते हैं कि ऐसी संख्याएँ हैं जो भाग देने के पूरी कट जा रही हैं, पूरी पूरी टर्मिनेट हो जा रही हैं। यह इन संख्याओं को अगर हम देखें ध्यान से जो है, इनको हम कहेंगे 3/20, ये संख्या को अगर हम परिमेय संख्या के रूप में लिखें 7/5, यहाँ अगर लिखें तो 30/4 हो रहा है। इन तीनों संख्याओं के हर भाग हर के हिस्से को देखें, यहाँ पर हर 20 हो रहा है, इस परिमेय संख्या में हर 5 हो रहा है, इस परिमेय में हर जो है 4 हो रहा है। तो इसमें खास बात ये आ रही है कि हर जो है 20 जो आपका है, ये 20 को अगर हम गुणनखंड के टुकड़े में देखें तो 2×2×5 हो जा रहा है, 5 5 = 5 ही है जो है, और 4 जो है 2×2 है। हर को अगर ध्यान से देखेंगे आप, हर को देखेंगे तो हर आपका में 2 हो सकता है हर के गुणनखंड में, या 5 हो सकता है, या ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि हर में 2 और 5 दोनों संख्याएं हो सकती हैं। इन पर भी आगमन के माध्यम से बच्चों से हम मदद लेकर के इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि ऐसी परिमेय संख्याएं जिनके हर जो है 2 हों, या 2 के गुणक हों, या 5 हों, या ऐसे हर हों जिसमें 2 और 5 दोनों के गुणक हों, वह शांत दशमलव संख्याओं के नाम से जानी जा सकती हैं, या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स के नाम से जानी जा सकती हैं। इस पूरे उदाहरण से, तीन उदाहरणों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि ये चीज़ें जो है हमारी जो है हर में 2 या 5 या 2 या 5 दोनों का गुणक हो सकता है। अभ्यास के लिए, कि इस बात के लिए बच्चे कन्फर्म हो सकें, सुनिश्चित हो सकें कि ऐसी ही संख्याएँ जो है टर्मिनेटिंग नंबर डेसिमल नंबर्स के नाम से जानी जाएंगी जिनमें हर जो है 2, 5 या 2, 5 दोनों हो सकता है, कुछ और प्रश्नों को आप अपने छात्रों के माध्यम से हल करा सकते हैं। यह जैसे कुछ उदाहरण हैं 2/7 5/16 1/4 13/20 13/50, चाहें तो इनको कक्षाओं में बच्चों से इनको फिर से भाग के माध्यम से इनका उत्तर निकलवाएं,
फिर उनके हरों को देखें कि हर जो है किस तरीके से किन संख्याओं के गुणक हैं, क्या दो के हैं, पाँच के हैं या किन्हीं और के हैं जो है, तो इससे बच्चे निकाल के देखेंगे कि नहीं ऐसी संख्याएं जो टर्मिनेट हो जा रही हैं या शांत हो जा रही हैं उनके हर जो है दो या पाँच या दो या पाँच दोनों हैं। जो आगे चल करके हम कुछ संख्याएं बच्चों को दूसरे भी दे सकती हैं, उसमें से पहचान करने के लिए भी कर सकते हैं कि कुछ संख्याएं हैं जो हर जिसके इनसे अलग हट करके हो सकते हैं, दो पाँच से अलग हो सकते हैं, उनको आप बच्चों को मौका दें कि क्या इनको शांत में रखा जा सकता है या किसी और में रूप में रखा जा सकता है। इससे जो है बच्चों में सीखने की क्षमता बढ़ेगी। और यहाँ पर एक खास बात जो निकल के आ रही है कि पूरे उदाहरण में आगमन आ रहा है, उदाहरण के माध्यम से हम सामान्यकरण पर जा रहे हैं, ऐसी संख्याएं, ऐसी परिमेय संख्याएं जिनके हर दो पाँच या दो और पाँच के दोनों के गुणक हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स के नाम से या शांत नंबर के माध्यम से जानी जा रही हैं। दूसरे प्रकार का जो उदाहरण है, यह है दूसरे प्रकार की जो संख्या है इनको कि हम अशांत या अनंत आवर्तक दशमलव संख्याएं कहते हैं, अंग्रेजी में इनको नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कहते हैं। जैसा कि शुरुआत में ही हम उदाहरण के माध्यम से देखे थे कि सात में जब हम 11 से भाग देते हैं तो इसका उत्तर 0.633333333 अनंत तक जा रहा है। यह संख्या कभी भी टर्मिनेट नहीं हो रही है, कभी भी कट नहीं रही, इसीलिए संख्या को हम अशांत दशमलव संख्या कहते हैं या अनंत आवर्तक दशमलव संख्या कहते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स डेसिमल नंबर्स के नाम से जानते हैं। इसमें देख रहे हैं कि 6 के बाद जो है 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है और इसीलिए इसको अशांत आवर्तक संख्या करा। ऐसे ही कुछ अन्य उदाहरण लेकर चर्चा कर सकते हैं। यह दूसरे उदाहरण है, यह 1/3 जो है, अगर हम 1 में 3 का भाग देते हैं जो है 1/3 जो है 0.9 कभी भी जो है 1 में 3 का भाग पूरी तरीके से नहीं जा सकता। और कितना भी प्रयास करें, शून्य के बाद आप देख रहे हैं 3 3 3 बराबर बढ़ता जा रहा है, हर बार जो है 1 जो है रिमाइंडर के रूप में बच रहा है जो है। तो इसमें खास बात यह आ रही कि यह संख्या जो है कभी भी टर्मिनेट नहीं हो रही बल्कि नॉन टर्मिनेट हो रही है, जो अशांत होती जा रही है। दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं 2/11 है, हम 2 में जब हम 11 से भाग देते हैं यह है इसका उत्तर आपका आ जाएगा 0.18181818 ऐसे बढ़ता जाएगा। यह बार बार देखेंगे तो 1818 संख्या जो है रिपीट होती जा रही है। दोनों उदाहरण में संख्याएं पूरी तरीके से टर्मिनेट नहीं हो रही बल्कि उनके उत्तर कभी भी समाप्त नहीं हो रहे हैं और आगे जो है संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। जो बच्चों कुछ और उदाहरण भी ले सकते हैं और उनको देख सकते हैं कि क्या ऐसी कोई और परिमेय संख्याएं हैं जिनका भाग पूरी की पूरी नहीं जा रही है बल्कि वह अनंत सीमा तक उसके जो है उत्तर जा रहे हैं। ऐसे संख्याओं की पहचान भी करा सकते हैं, ऐसी संख्याएँ दे भी सकते हैं। कुछ संख्याएँ हैं जैसे 1/7, 4/9, 5/13 है, इनको अगर भाग करके आप देखेंगे तो निश्चित रूप से इनके उत्तर जो है पूरे के पूरी तरीके से नहीं आएंगे बल्कि दशमलव के बाद संख्या बार बार आगे बढ़ती जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि उपरोक्त सभी उदाहरण में प्राप्त भागफल में एक अंक या अंकों का समूह बार बार आता है और भाग की प्रक्रिया चलती जा रही है। यहाँ पर जो है 3 जो है बार बार रिपीट होता जा रहा है, यहाँ पर 1818 बार बार आ रहा है, ऐसा क्रम बनता जा रहा है। यहाँ पर भी आगमन होता जा रहा है कि ऐसी संख्याएं जिनमें इस तरह का पैटर्न हो जो पूरी की पूरी समाहित न हो पा रही, पूरी कट नहीं पा रही हों और उसमें किसी खास अंक, एक अंक या दो या तीन से अधिक अंकों का बार बार जो है रिपीटेशन होता जा रहा है, तो ऐसे संख्याओं को हम जो है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स के कह सकते हैं। जो है इन सारे उदाहरणों के आधार पर, आगमन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ऐसी समस्त परिमेय संख्याएं जिनको दशमलव में बदलने पर दशमलव भाग में एक अथवा एक से अधिक अंकों के समूह बार बार आते हैं और भाग की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती है, अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं कहलाती हैं या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। प्रश्न उठता है कि भाग देने के बाद हम इन अंकों को कब तक लिखते जाएं जिससे पता चले कि कहां तक जा रहे हैं, या यूं कहें कि इसका
सीमा नहीं पूरा हो रहा है, इसके लिए भी कुछ सोचा गया है कि ऐसी संख्याएं जो बार बार रिपीट करती जा रही हैं उनको लिखने के पैटर्न में हम जो है इसको देखिए 0.3 करके इसके ऊपर एक छोटी सी रेखा खींचते हैं। यह रेखा जो है हमें यह ज्ञान कराती है कि यह 3 जो है बार बार जो है रिपीट होता जा रहा, बार बार आ रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को 1/3 इक्वल टू 0.333 .. इक्वल टू 0.3 इसके ऊपर हम जो है इस तरीके से जो है एक छोटी सी लाइन खींचेंगे हैं। ये लाइन हमें ये निर्देश देती है कि यह संख्या बार बार आएगी, इसी का एक सिंबल है। यह उसी तरीके से आप दूसरे उदाहरण में देख रहे हैं कि 2 में जब हम 11 से भाग देते हैं तो 0.18 .. अनुवर्तन होता जा रहा है। इसको अगर हमें लिखना हो गणित की भाषा में जो है इसको हम कहेंगे 2/11 .. इक्वल टू 0.18। इसके ऊपर एक छोटी सी रेखा खींच देंगे। यह रेखा इस उदाहरण में दोनों संख्याओं के ऊपर आ रही है। यह रेखा यह जानकारी प्रदान कर रही है कि 1818 का बार बार अनुवर्तन होता जा रहा है। तो इसको ऐसे संख्याओं को लिखने के लिए गणित की भाषा में हम जो है उसके ऊपर रेखा खींच देते हैं, जिससे हमें ज्ञात होता है कि यह संख्या जो है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स है। आगे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स या अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं, जिनको हम कहते हैं शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएँ। यह ऐसी संख्याएँ जो पूर्ण रूप से अशांत होती हैं उनको हम कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएँ। और दूसरा प्रकार जो होता है वह मिश्रित अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं जो है। इन दोनों संख्याओं पर हम अलग से चर्चा करते हैं आपके साथ। जो है पहला प्रकार जो आपके साथ है जो है वह शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं जो है। इन संख्याओं को जानने के लिए समझने के लिए आपने अभी जो उदाहरण देखा है, जितने भी उदाहरण आपके सामने रखे गए हैं नॉन टर्मिनेटिंग वाले, वो सारे के सारे शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव संख्याओं के प्रकट करते हैं। जैसे पुनः अगर इस पर हम चर्चा करें, यह है कि 7/11 0.633 बराबर, इसको गणित की भाषा में लिख सकते हैं 0.633 का रिपीटेशन यहाँ हो रहा है। यह है 1/3 बराबर 0.333 बराबर 0.123 कह सकते हैं इसको। यह है 2/11 बराबर 0.1818 बराबर 0.1218 के नाम से जान सकते हैं। ये इस तरीके की जो संख्याएं हैं जिसमें भाग देने के तुरंत बाद जो है ये जितने भी संख्याएं आ रही उनका बार बार रिपीटेशन होता जा रहा है। ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं। जो है बार बार देख रहे हैं कि 3 का रिपीटेशन हो रहा है, 18 बार बार आ रहा है। ये सारे के सारे उदाहरण जो है शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव संख्याओं के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा जो प्रकार आपके सामने है यह है मिश्रित अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं। जो है प्रश्न ये उठता है कि अशांत संख्याएं हैं, अशांत में भी दो प्रकार के निकल के आए। जो है पहला प्रकार आया कि शुद्ध अशांत, दूसरा हो गया जो है मिश्रित अशांत। मिश्रित अशांत संख्याएँ यहाँ भी अशांत होंगी। जो है कहने का मतलब कि इनका उत्तर पूरा कभी नहीं हो पाएगा, लेकिन मिश्रित प्रकार का स्वरूप दिखाई देगा। जो है जिसमें दो स्वभाव निकल करके आएंगे। जो है इसके लिए भी हम एक उदाहरण ले सकते हैं 1/6। 1 में हम 6 का भाग देते हैं। यह 1 में 6 का भाग देते हैं 0.10 में 6 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा जो है 4/36। 40 में से 36 को मानस घटाते हैं ये फिर उबार आपका 4 आ रहा है। फिर भाग देते हैं तो 6 बार देखिए भाग जाती है। और आप बार बार देख रहे हैं कि घटाने के बाद जो है हमें 4 जो है बार बार आ रहा है। यहाँ पर देखिए 4 आया है, यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है। यह 4 आपका कभी भी पूरा नहीं हो रहा है और हमारा उत्तर जो है 6 होता जा रहा है। इस उदाहरण के उत्तर को अगर हम ध्यान से देखें
तो आप पाएंगे कि दशमलव के ठीक बाद जो है पहली बार जो संख्या आ रही है वह एक आ रही है, और इस एक को रिपीट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जो हम देख रहे हैं चार आ रहा है, चार को 40 करते हैं, फिर छः से यहाँ भाग दे रहे हैं तो छः के 36 गया, फिर चार आ, यह प्रक्रिया अनंत तक चलती जाएगी। लेकिन जो उत्तर है हमारा ये आ रहा है, इस उत्तर में तो खास बात आ रही है कि रिपीटेशन जो है सिर्फ छः का हो रहा है, न कि एक का हो रहा है। इसलिए यहाँ पर दो स्वभाव आ रहे हैं कि दशमलव के बाद एक संख्या या दो संख्या दूसरी हो सकती है जिनका परिवर्तन नहीं होगा, बाकी जो आपकी संख्याएं हैं वह जो है बार बार संख्याएं वही अनुवर्तन करेंगे या रिपीट करेंगी। हैं इसलिए दो विशेषताएं आ रही हैं, इन दोनों विशेषताओं के आधार पर इनको हम मिश्रित अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएँ कहते हैं। हम और इसको गणित की भाषा में अगर लिखना हो तो एक बटे छ बराबर 0.16, अच्छा के ऊपर बार लगा देंगे या छोटी सी एक रेखा खींच देंगी, यह रेखा जो है हमको यह इंगित करती है कि इस पूरे इस परिमेय संख्या के भागफल में सिर्फ ये एक ही अंक है अर्थात छः जो बार बार जो है रिपीट कर रहा है, जबकि दूसरा अंक जो है एक जो है वह अपने आप में रिपीट जो है नहीं कर रहा है। इसलिए ऐसी संख्याएं जिसमें भाग जो है नॉन टर्मिनेट तो हो लेकिन शुरू के कुछ अंक ऐसे हों, एक अंक दो अंक जो निश्चित हों, वह रिपीटेशन ना करें, रिपीट ना करें, वैसी संख्याओं को मिश्रित अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं कहेंगे जो है, दैट इज द मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स जो है। ऐसी संख्याएं जैसा कि आपने एक उदाहरण देखा कि एक में छः देने के भाग देने पर ऐसा आ रहा, ऐसे और भी उदाहरण देखे जा सकते हैं, लिखे जा सकते हैं। और इस उदाहरण में एक बटे छः बराबर 0.16 और बाकी जो उदाहरण आ रहे हैं, पहला उदाहरण, दूसरा उदाहरण, तीसरा उदाहरण, इसका स्वभाव हो रहा है कि यहाँ पर जो है रिपीटेशन जो है होता जा रहा है, तो उनको जो है सिंपल नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स कहेंगे और यहाँ पर जो है मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स के नाम से जाने गए हैं। आपने परिमेय संख्याओं में दशमलव स्थानीय मान के विषय में देखा कि पूरे परिमेय संख्याओं को जिनको दशमलव रूप में लिखते हैं कुल मिला के दो मुख्य भागों में बांटा गया जो है, पहला आ गया जो है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, इसमें आपने दो तीन उदाहरण देखा और इन उदाहरणों में खास बात ये निकल के आई जो है कि हर जो है दो या पाँच के गुणक हैं या दो पाँच दोनों के गुणक हो सकते हैं। इसमें आगमन सीधे सीधे दिख रहा है, आगमन के माध्यम से उदाहरणों के माध्यम से एक नियम बना रहे हैं कि नहीं, ऐसी संख्याएं जिनके हर दो के गुणक हों या पाँच के गुणक हों या दो पाँच दोनों के गुणक हों उनको हम शांत दशमलव संख्याएँ या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स के नाम से जानते हैं। वहीं पर दूसरा इन परिमेय संख्याओं का रूप आया, ये संख्याएँ जो है अशांत होती हैं, कभी इनका एंड नहीं होता है, अंत नहीं होता है, और किसी एक संख्या को या दो संख्या को या तीन संख्या को एक निश्चित पैटर्न पर बार बार रिपीट करती रहती हैं, तो ऐसी संख्याओं को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स के नाम से जानते हैं। और इसमें भी दो स्वभाव निकल के आए, दो प्रकृति निकल के आई कि एक ऐसी संख्याएँ नॉन टर्मिनेटिंग में जो सिर्फ दशमलव के तुरंत बाद जो है उन अंकों का बार बार अनुवर्तन हो रहा है, जबकि एक संख्या और उदाहरण एक प्रकार और आ रहा है 1/6 जो है कि उसमें दशमलव के बाद एक जो है इसका अनुवर्तन तो नहीं हो रहा लेकिन छः का अनुवर्तन बार बार हो रहा है। इस प्रकार से निष्कर्ष ये निकलता है कि दशमलव परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलने पर दो प्रकार निकलते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो प्रकार के आते हैं, यह सिंपल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और मिक्स्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।